क्या हो गया गंधर, तू हमें छोड़ के कहाँ चला गया, अब हमारा क्या होगा। अरे का हो गया रे, काहे इतना चिंता में हो, आए बताओ। हम क्या करें महाराज, अरे हम लोग के गंधर्व सिंह नहीं रहे। अरे तो का हो गया रे, अरे हम लोगों के जीवन का एक ही सहारा थे, पूरा काम अकेले करते थे, पूरा घर पूरा मोहल्ला उनसे इतना प्यार करता था। अरे हाँ का बताएं दरोगा जी, कितने महान थे वो, अरे पूरा मोहल्ला का काम खुद ही कर लेते थे अकेले, कद में छोटे थे लेकिन सब आदमी का भार अपने सर पे उठाए रहते थे। अरे हाँ हाँ क्या कहें, कुछो दो उखा लेते थे, चाहे ई हो चाहे ऊ हो सब में तैयार थे। हाँ हाँ देखिए दरोगा जी, ऊ हमरे घर के नहीं थे लेकिन फिर भी हम छोटा भाई थे उनके, तो उनके लिए हम अपना बाल मुड़वाने जा रहे हैं। अच्छा वो सच में इतने महान थे? अरे तो प्रशासन का भी तुमको ड्यूटी बनता है, दायित्व बनता है। रुको जी, हम भी चलेंगे तुम्हारे साथ, हम भी उनके लिए बाल त्यागेंगे, हम भी आज सर मुड़वाएंगे। हाँ हाँ दरोगा जी चलिए। चलो चलो शुभ कार्य में देरी क्या, अरे आखिर पुलिस दरोगा सब साथ में रहने के लिए तो बने हैं। चलो 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 चलो। अरे क्या हुआ दरोगा साहेब, घर में तो सब कुशल मंगल है ना, बाल छिलवा लिए? अरे हम क्या कहें सेनापति जी, आपको नहीं पता ये तो बहुत दुखद बात है। अरे मोहल्ले के इतने महान व्यक्ति जिनके लिए हर एक बच्चा बच्चा रो रहा है, उनका निधन हो गया है, बहुत दुख है, हमारा तो हृदय ही पसीज गया आपसे। सेनापति साहेब अब हम क्या बताएं, इतने महान व्यक्ति के साथ अगर आज हम खड़े नहीं हुए तो कल को क्या मुंह लेके मोहल्ला में वापस जाएंगे, हम तो उनके साथ बाल त्याग करके आ रहे हैं, अब आप सोचिए सेनापति जी। अरे क्या सच में वो इतने महान थे? अरे हाँ, अरे पूरा मोहल्ला का बोझ अपने उठाते थे और इतने सरल इतने सीधे कि जो जो भी दे दिया वो खा लेते थे, कभी कोई डिमांड नहीं किया किसी से। अच्छा तब तो फिर हमें भी अपने बाल छिलवाने पड़ेंगे। जी सेनापति जी हमको तो लगता है कि आप भी छिलवा ही लीजिए, अरे जनता को लगेगा कि हमारे सेनापति भी हमारे साथ है तो प्यार मोहब्बत बढ़ेगी और एक साथ रहने का समझ रहे ना, हम जो समझा रहे हैं। हाँ हाँ चलिए चलिए चलिए, फिर तो देर क्यों, चलिए 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 हम मुझे वही छिलवा देते हैं, चलिए चलिए चलिए। हाँ चलिए। अरे सेनापति जी, अरे ये क्या, अरे ये बाल छिलवा लिए, सब कुशल मंगल तो है, अरे सेना में विद्रोह हो गया कि कहीं भाभी जी ने नोच लिया। अरे कैसी बात कर रहे हैं, आपको नहीं पता क्या हुआ? अरे नहीं क्यों, कोई विशेष बात है क्या? अरे हमारे बीच गंधर्व सिंह नहीं रहे। अरे कैसे गृह मंत्री हैं आप, आपको ये भी नहीं पता हमारे बीच गंधर्व सिंह नहीं रहे? हे भगवान, गंधर्व सिंह नहीं रहे, ये तो घोर अनर्थ है, ऐसे गंधर्व सिंह कौन है? अरे आप गंधर्व सिंह को नहीं जानते हैं, इतने महान आदमी थे वो, आपको तो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। अरे सब बात मत बोलिए, ऐसे भी बहुत लोग हमारा पीछे पड़ा है, हमारा कुर्सी पर बहुत लोग का नजर है। अरे शुभ शुभ बोलिए। अच्छा ठीक है, ऐसे गंधर्व सिंह महान आदमी थे लगता है। बहुत महान आदमी थे। तो अब ऐसा करते हैं हम वो बाल छिला लेते हैं, अरे तो महाराज सोचेंगे कि कैसे मंत्री हैं, इनको अपने लोगों के बारे नहीं पता। चलिए हमारा भी बाल छिलवा दीजिए आप। चलिए छिलवा दो रे, चलिए चलिए। Thank you.
राजा की जय हो। अरे अरे ये क्या, अरे मंत्री जी, अरे सेनापति, अरे दरोगा, अरे ये क्या, तुम सबने बाल कहाँ त्याग दिए और ये सब मेरे सभा में गंजे क्यों बैठे हो? अरे महाराज, महाराज की जय हो, पर्सनल में भी महाराज की जय हो। अरे क्या नहीं पता मंत्री जी, जरा आप ही बताइए। अरे महाराज, आपको एक बात बता दें, आज आपको मुझ पे बहुत गर्व होगा। अरे मैंने ही सबसे पहले ये खबर निकाली है, अरे गंधर्व सिंह नहीं रहे। अरे हम भी गृह मंत्री हैं, अंदर की बात पता लगाना हमारा काम है महाराज। अरे ठीक है ठीक है, लेकिन ये गंधर्व सिंह कौन है? अरे गंधर्व सिंह को नहीं जानते आप? अरे गंधर्व सिंह बहुत महान आदमी थे महाराज। अरे घर मोहल्ला पूरा राज्य का बच्चा बच्चा उनकी इज्जत करता था। और महाराज आपको एक बात और बता दें, ये जो सर मुंडवाने का जो आइडिया है ना, ये हमारा ही दिया हुआ है। अरे क्यों भाई क्यों? अरे महाराज आप समझ नहीं रहे, ऐसे भी अभी ओपोजिशन वाले बड़े टाइट हैं, अपनी कुर्सी बचाने के लिए जनता के नजदीक आपको बताना ही पड़ेगा कि आप जनता के करीब हैं, और कुछ तो ऐसा प्रोपोगंडा करना ही पड़ेगा कि लोगों को लगे कि आप आम जनता के साथ हैं महाराज। तो मैंने सोचा कि बाल छिलवाने वाला आइडिया बहुत अच्छा है, इससे जनता को फील होगा कि पूरा कैबिनेट, पूरा मंत्रालय और स्वयं महाराज भी जनता के साथ है। हम तो कहते हैं महाराज आप भी बाल छिलवा लीजिए और इसे राज्य आदेश घोषित कर दिया जाए। अरे इससे राजा और पब्लिक एकदम नजदीक नजदीक हो जाएंगे महाराज, कैसा लगा मेरा आइडिया? अरे आइडिया तो ठीक है, रुको सोचना पड़ेगा। अरे इसमें सोचना क्या है महाराज, अरे गद्दी हिल रही है, सही समय है, लोहा गर्म है, हाथों मार दिए महाराज, जल्दी से अनाउंस करिए आप। तुम ठीक ही कह रहे हो मंत्री जी, सभी सभासद, मैं खटोलपुर का राजा ये घोषणा करता हूँ कि हमारे राज्य के एक इतने महान व्यक्तित्व गंधर्व सिंह के निधन पर 4 दिन का राजकीय शोक घोषित किया जाए और राज्य के सभी महिला पुरुष सभी को यह आदेश है वो बाल त्याग दें और गंधर्व सिंह के शोक में इस पूरे राज्य के साथ एकजुट एक हाथ होकर चले, तभी वो राज्य के साथ न्याय करेंगे। यह आदेश का शीघ्र से शीघ्र पालन हो और ये सबके लिए हो। महाराज, महारानी जी का भी? हाँ महारानी जी के लिए भी, क्या वो राज्य से अलग है? महाराज, महाराज, यह मैं क्या सुन रही हूँ? अरे क्या सुन लिया महारानी? यही कि आपने राज्यादेश दिया है कि सभी प्रजाजनों को अपना बाल त्यागना होगा, मुझे भी, लेकिन क्यों? अरे महारानी इसमें क्या परेशानी है, अरे बाल ही तो है, फिर उग जाएंगे, अभी तो त्याग दो, पूरा राज्य आपके साथ है, पूरा राज्य एक आदेश मान रहा है, राज्यादेश है। परेशानी आदेश मानने में नहीं है या बाल त्यागने में नहीं है, परेशानी है कि बिना किसी बात को बिना कारण जाने किसी कार्य को करने से। तो आप मुझे कारण बता दें, मैं उसके बाद आपके इस आदेश को मान लूंगी। अरे कारण बहुत बड़ा है महारानी, अरे परम आदरणीय, परम स्नेह प्रिय, परम
प्रिय हमारे गंधर्व सिंह और नहीं रहे। गंधर्व सिंह? ये गंधर्व सिंह कौन है? मैंने तो आज पहली बार नाम सुना है उनका इस राज्य में। अरे ऐसी अनर्थ बात ना करो महारानी। अरे किसी को पता चलेगा कि महारानी को गंधर्व सिंह के बारे नहीं मालूम तो क्या क्या बोलेंगे? अरे लोग हंसेंगे हम पे, बहुत महान आदमी थे वो। अगर कोई बात पता ना हो तो उसे जानने में कोई हर्ज नहीं है, इसमें किसी भी लज्जा या शर्म की बात नहीं है। आपको तो पता ही होगा महाराज, आप मुझे बता दें। अरे हाँ महारानी, हमको तो पता ही है, वो बहुत महान है, बहुत महान काम किए हैं। तो जी उन्होंने क्या कार्य ऐसे किए हैं कि वो बहुत ही महान हैं? अरे महारानी उन्होंने तो मंत्री जी आप ही क्यों नहीं बता रहे हैं महारानी को कि गंधर्व सिंह ने क्या महान काम किया है? जी मंत्री जी, आप मुझे बताइए कि गंधर्व सिंह आखिर इतने महान व्यक्ति क्यों हुए? अरे महारानी क्या बताएं महारानी, आप जानकर खुश हो जाइएगा। अरे बहुत महान आदमी थे गंधर्व सिंह। अरे बहुत लोग प्यार करते थे, पूरा पूरा राज्य उनसे इतना प्यार करता था कि क्या बताएं। अरे देखिए ना, सबने अपने बाल त्याग दिए हैं। अरे हमको तो स्पेशली सेनापति जी ने बताया वो कितने महान थे, वो डिटेल में आपको बता देंगे। जाइए सेनापति जी, बताइए। यानी महामंत्री जी आपको भी नहीं पता है? अरे नहीं महारानी, ऐसे कैसे होगा, हम गृह मंत्रालय देखते हैं, हमको तो सब पता है। लेकिन सेनापति जी ग्राउंड में थे, वो ज्यादा जानते हैं, इसीलिए डिटेल में बताएंगे ना। सेनापति जी आइए ना, आप कहाँ दूर खड़े हैं, आइए। ठीक है सेनापति जी, आप ही बता दीजिए कि वो क्यों इतने महान व्यक्ति हुए। जी महारानी, वो महान काम किए थे इसलिए वो महान थे। जी सेनापति जी, तो उन्होंने ऐसा क्या कार्य किया? जी महारानी, वो तो दरोगा जी बाल कटाकर घूम रहे थे तो हम भी कटवा लिए, अब ये तो उनके बारे में वही बता सकते हैं। दरोगा जी बताइए ना। महारानी प्रणाम। महारानी प्रणाम। महारानी महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। सेनापति की जय हो। जी महारानी बोलिए। तो दरोगा साहब, यह रायता आपने ही फैलाया है। रायता महारानी, गर्मी में पड़ी कहाँ है महारानी रायता। बकवास बंद करिए और ये सही सही बताइए कि आपने सेनापति जी को क्या बताया है। मैं राज्य के प्रति बहुत ईमानदार हूँ महारानी, मैंने जो देखा सेनापति को वही रिपोर्ट दर्ज किया। जनता रो रही थी, बिलख रही थी। अरे गंधर्व सिंह के लिए सभी के आंखों में आंसू थे और मुझे लगा कि प्रशासन को इसके साथ होना चाहिए, इसीलिए हम उनके साथ हो लिए। अरे जनता बाल छिला रही थी उनके लिए। तब तो दारोगा जी आप उनके घर भी गए होंगे श्रद्धांजलि देने के लिए, अंतिम यात्रा में भी आप गए होंगे, आपने कंधा दिया होगा, आपने देखा होगा उन्हें कि वो कैसे हैं, क्या हैं। महारानी इतना डिटेल में तो नहीं गए थे, हम इमोशनल हो गए थे थोड़ा, तो डिटेलिंग भूल गए। तो यानी आपको नहीं पता कि गंधर्व सिंह जी कहाँ रहते थे, उन्होंने क्या कार्य किया? नहीं नहीं नहीं, नहीं महारानी एक मिनट, हम जानते कहाँ रहते थे, हम वो आदमी को चीनते हैं जो रो रहा था। तो आप उन्हें बुला के लाए। हम अभी तुरंत धर के लाते हैं, जानते हैं उनको, मुकनुकर पे बैठा होगा, हम जा रहे हैं तुरंत लेके आ रहे हैं। तुम्हारा चक्कर में कहाँ से कहाँ हो रहा, जाओ जाओ। महारानी महारानी कीजिए, हमारे लिए देखिए, यही आदमी यही सब करवा रहा था, यही रोया है, यही सब का पीछे है। नाम क्या है? जी महारानी मेरा नाम गोलू है। आप ही हैं वो जिन्होंने
गंधर्व सिंह के बारे में बताया, तो बताइए गंधर्व सिंह की महागाथा के बारे में। अरे महारानी, तो बहुत महान थे वो, हम लोग के साथ बहुत अच्छा से रहते थे, सुबह से शाम तक बहुत मेहनत करते थे, हमेशा बोझा ढोते रहते थे, मोहल्ले के बच्चों लोगों के साथ बहुत ही अच्छे से खेलते थे, सुबह हम लोग के साथ निकलते थे, घाट जाते थे और फिर वहाँ से हमारे साथ ही आते थे। घाट जाते थे? हाँ महारानी। रहने वाले कहाँ के थे? रहने वाले वो तो हमारे ही यहाँ रहते थे महारानी, वो बाहर बंधे हुए रहते थे, उन्हें बांध के रखते थे। आप उतने महान को बांध के रखते थे? हाँ, नहीं बांधते तो वो तो भाग जाते। इतने महान व्यक्ति भाग जाते, आप उन्हें बांध के रखते थे? नहीं तो भाग नहीं जाते का। तो इतने महान व्यक्ति भाग जाते? कोनो कंफ्यूजन है महारानी साहेब, वो महान तो थे पर व्यक्ति नहीं थे। अरे क्या बात कर रहे हैं दरोगा साहेब, अरे क्या बात कर रहे हो बुढ़बा, अरे जब व्यक्ति नहीं थे तो क्या थे, इतना महान था इन्हें उठे पूरा कहानी हो गया और बोलते हो व्यक्ति नहीं थे, व्यक्ति नहीं थे तो क्या था? तो हमरे गधा थे। तो कहिए महाराज, क्या अब भी यह राज्यादेश लागू है? हम का कहे महारानी, हमरा तो मंत्री जी हमको डुबाएंगे एक दिन, ऐसा मंत्री से अच्छा है हमरा पार्टी बिना अध्यक्ष का रहे। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगारे आप न जग में होत हसाए। जो व्यक्ति बिना विचारे काम करता है उसे बाद में पछताना तो पड़ता है, हालांकि वह अपना ही काम बिगाड़ता है और संसार में हंसी का पात्र बन जाता है। पर एक व्यक्ति के जीवन में ऐसी अवस्था ना हो, इसीलिए उसे सतपथ का निर्देशन करना साधना का ही अंग है। एक व्यक्ति को ऐसी किसी भी परिस्थिति में पड़ना ना पड़े, इसीलिए उसे परम पुरुष प्रदत्त भक्ति मार्ग में चलकर अपने आप को संपूर्ण समर्पण के साथ आगे बढ़ना चाहिए। इससे ऐसी किसी भी परिस्थिति का सामना उसे कभी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि परम पुरुष हमेशा मार्गदर्शक की तरह उसके सामने होंगे। भालो बाशो कि ना जानी शुधु संगे थाको, ব্যথা বুঝো কিনা বুঝি না, জানি মোরে মর্মে ডাকো, জানি শুধু সঙ্গে থাকো, ভালোবাসো কিনা জানি না, জানি শুধু সঙ্গে থাকো। ধারে দেখিতে না পাই নিজেরে